हाँ, सीबीएसई बोर्ड के वो स्टूडेंट जिनका एसेंशियल रिपीट आया था, एनओएस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अपने ऑन डिमांड एग्जाम्स में एडमिशन ले लिया है या फिर अभी लेने की सोच रहे हैं, तो जल्दी से संपर्क करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। बहुत सारे स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन हमारे साथ कराया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे किस तरीके से आपको ऑन डिमांड एग्जाम्स को क्वालिफाई कराएं। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है स्टूडेंट के सामने, क्योंकि उनके पास ज़्यादातर सबके पास एनसीईआरटी की बुक है, एनओएस की तरफ से कोई बुक आपको नहीं दी जा रही है। अभी यहाँ पर सिलेबस को लेकर भी बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है स्टूडेंट को कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारे सीबीएसई स्टूडेंट मेरे से मिले जो बता रहे हैं कि सर जो सीबीएसई का हमारा क्लास 12th का सिलेबस था उसमें और जो एनओएस का सिलेबस है उसमें बहुत सारा अंतर है और बहुत सारा फ़र्क है, बहुत सारे नए चैप्टर्स हैं। तो मैं आप सबका डाउट जो है क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो एनओएस के एग्ज़ाम्स होते हैं पब्लिक एग्ज़ाम, उसमें जो क्लास 12th का सिलेबस होता है वो 11th और 12th को मिला कर आता है, लेकिन जो ऑन डिमांड एग्जाम है, ऑन डिमांड एग्जाम्स में मोस्टली जो है आपका 12th के ही क्वेश्चंस को फोकस करा जाता है। 11th के क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन इतना ज़्यादा प्रोपोर्शन नहीं होता है जो सिलेबस में दिखाया गया है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को कहूँगा कि आप फोकस करिए क्लास 12th के चैप्टर में, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो 11th का होगा, तो अगर मैं प्रोपोर्शन की बात यहाँ पर कर दूँ तो यहाँ पर 75:25 का प्रोपोर्शन है, यानी 75% आपका 12th का ही सिलेबस ऑन डिमांड एग्जाम में आने वाला है, और साथ साथ में 25% ऐसा होगा जो क्लास 11th या कहीं और से आएगा। और दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि सर जो इसमें TMA के चैप्टर हैं, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट के चैप्टर हैं, उनको कन्फ्यूजन हो रहा है, उनको लग रहा है कि ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। जी नहीं, ऑन डिमांड एग्जाम्स वाले स्टूडेंट को सभी चैप्टर्स की तैयारी करनी है। आपका कोई भी TMA नहीं होता है तो आपका कोई भी चैप्टर डिडक्ट नहीं होता है, वो पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनको TMA बनाना होता है। तो जब वो जिस चैप्टर के TMA बनाते हैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन ऑन डिमांड एग्जाम्स के आते हैं। ऑन डिमांड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर आपको ज़्यादातर वेबसाइट में भी नहीं मिलेंगे, किसी सोशल मीडिया में भी नहीं मिल पाएंगे। उसका कारण ये है कि जो NIOS ऑन डिमांड एग्ज़ाम कराता है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद उसी वक्त आंसर शीट के साथ क्वेश्चन पेपर भी हर स्टूडेंट से ले लिया जाता है। तो जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है वो कभी पब्लिक हुआ ही नहीं, कभी बाहर आया ही नहीं, सिर्फ स्टूडेंट ने आके अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर करे हमारे साथ, उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आंसर्स के साथ दिए हुए हैं। उसको लेने के लिए आप या तो vcicguruji.com पे जाइए, वहाँ पर सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे साथ ही साथ में, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से संपर्क कर लीजिए, वो हम आपको देंगे। ये आपको बहुत मददगार साबित होगा क्योंकि इस वक्त आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि हमने पढ़ना कहाँ से है। और साथ ही साथ में अगली बात यह आती है कि क्या मेरे प्रैक्टिकल भी होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि जो मेरे पिछले एग्ज़ाम हुए थे CBSE में, वहाँ पर तो मैं प्रैक्टिकल में पास था और यहाँ पर क्या मेरे को प्रैक्टिकल देना है। जी हाँ, जिन सब्जेक्ट का आपने TOC नहीं कराया है और आप अप्लाई करे हुए सब्जेक्ट, अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। लेकिन बात यह आती है कि सर कब होगा, तो मैं आपको बताऊं कि जब अभी आपका हॉल टिकट रिलीज होगा तो वो सिर्फ थ्योरी एग्जाम का हॉल टिकट होगा। आप थ्योरी एग्जाम जब देने जाएंगे, जिस दिन वहां हॉल में एग्जाम देंगे वहीं पर एक कोई अनाउंसर आएगा, वो अनाउंस करेगा कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कितने दिन बाद होना है और कहां पर होगा, वो सब आपको उसी दिन थ्योरी एग्जाम वाले दिन बताएगा। और आपको उसके लिए एक प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसका आप सॉल्व PDF हमसे ले सकते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है तो वो सॉल्व बनी बनाई प्रैक्टिकल फाइल भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अपना एड्रेस देकर हम आपके एड्रेस पे, जो भी आपका एड्रेस होगा वहाँ पर आपके एग्ज़ाम होने से पहले वो सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल आप तक पहुँचा देंगे। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो है आपका CBSE बोर्ड से डिफ़िकल्ट होता है या इजी होता है। तो मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ, बार बार इस वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में पढ़ के जाते हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर इजी आता है, जो पढ़ के नहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट आता है। तो ईजी और डिफ़िकल्ट नाम का तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पर और आपके जो मैटर आप लिखते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑन डिमांड एग्ज़ाम पहले दिया है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है,
बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं सर मैंने पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा, मैंने जो है अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के पूरे अटेंड करे, घर आके क्रॉस चेक भी करा, सब कुछ सही था और मेरे मार्क्स नियर अबाउट 65 के अराउंड आ रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया है तो मेरे को 20 मार्क्स ही दिया है, 24 मार्क्स दे के फेल कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है, लेकिन आप जो है अपना कॉन्फिडेंस जो है बनाए रखिए और बिल्कुल अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम को दीजिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। और कहीं पे भी अगर आपको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है तो व्हाट्सअप नंबर खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है, इस पर आइए और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो बताइए, उसको सॉल्व करने की हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। और इसी तरीके के वीडियोज़ मैं लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।